हेलो स्टूडेंट, तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू लेयर, એટલે કે સ્તરનો પરિચય. લેયર મીન્સ સ્તર. તો લેયર ક્યા હૈ, સબસે પહેલે વો સમજ લેતે હૈ કે લેયર કો હમ કાગજ કે હિસાબ સે લે સકતે હૈ કે કોઈ ભી પેપર હૈ તો એક પેપર કે ઉપર દૂસરા પેપર રખો તો યે લેયર બન જાતે હૈ. જૈસે હમારી સ્કિન કા લેયર જો હોતા હૈ, 7 लेयर होते हैं हमारी स्किन के, तो इसी तरह से एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के ऊपर से तीसरा लेयर, तो एक दूसरे के ऊपर या नीचे रखने से एनिमेशन को कुछ इफेक्ट देने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लेयर. तो हम कुछ इफेक्ट के ज़रिए इस प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे कि एक लेयर को दिखाना है या उसको हाइड करना है तो किस तरह से हम वर्क करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल टूल लेंगे और इधर कलर सेट करने के बाद, मान लो कि मैं ये कलर सेट कर रहा हूँ. अब मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया. अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ. अभी दूसरा छोटा वाला सर्कल बनाया. अब मैं ग्रेडियंट टूल लूँगा और ग्रेडियंट का कलर मैं सेट करूँगा ब्लू और दूसरा रखूँगा ये वाला. अब ग्रेडियंट सिलेक्ट करने के बाद कलर मैंने चेंज कर दिया, जो कि ये दोनों सर्कल से मिलते नहीं है, ऐसा कलर आपको सिलेक्ट करना है. फिर आपको कैनवास पर एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है. तो ये ग्रेडियंट का इफेक्ट आया. अभी मान लो कि ये आप ग्रेडियंट आप डिलीट करना चाहते हो, तो यहाँ से डिलीट कर दो. वापस आप ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करो. उनका कलर तो पहले से ही सिलेक्ट है. अभी लीनियर की जगह पे मैं स्पाइरल ले रहा हूँ और यहाँ से लाइन इस तरह से ड्रॉ करता हूँ. तो कुछ ऐसा इफेक्ट आया. अब मुझे करना ये है कि ये जो ग्रेडियंट का इफेक्ट है वो पूरे कैनवास पर आपको दिख रहा है, लेकिन मुझे इसका इफेक्ट, इस ग्रेडियंट का इफेक्ट ओनली मुझे किसी एक सर्कल जो हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर चाहिए, या तो फिर दोनों सर्कल के ऊपर चाहिए, या तो दोनों में से किसी के भी ऊपर ये इफेक्ट नहीं आना चाहिए. इस तरह से मुझे ये काम करना है. तो सबसे पहले अभी ग्रेडियंट का इफेक्ट पूरे कैनवास पर आ रहा है, तो मुझे किसी सर्कल के ऊपर ही ये ग्रेडियंट का इफेक्ट आना चाहिए. मतलब कि ये जो लेयर पूरे कैनवास पर दिख रहा है, तो इस लेयर की इफेक्ट मुझे किसी एक सर्कल के अंदर या दोनों सर्कल के अंदर चाहिए. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले अपने लेयर पैनल में से ये पूरा जो है वो हमारा लेयर पैनल है, उस लेयर पैनल में से आपको लेयर ग्रेडियंट का लेयर सिलेक्ट करना है. ग्रेडियंट लेयर सिलेक्ट करने के बाद आपको पैराम्स पैनल में, ये हमारा पैराम्स पैनल है, पैराम्स पैनल के अंदर आपको यहाँ पे ब्लेंड मेथड दिख रहा है. उस ब्लेंड मेथड की वैल्यू वाली जो कॉलम है, उस कॉलम में कंपोजिट पर आपको एक क्लिक करना है. तो यहाँ पर आपको ब्लैक एरो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद उसमें उसकी ब्लेंड मेथड चेंज करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है स्ट्रेट ऑन टू. उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है क्या, कंपोजिट है. ब्लेंड मेथड की वैल्यू ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है. ब्लेंड मेथड में कंपोजिट के ऊपर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेना है स्ट्रेट ऑन टू. स्ट्रेट ऑन टू जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, तो आपकी ग्रेडियंट की इफेक्ट, आपने जो दो सर्कल ड्रॉ किए थे उस सर्कल के अंदर ही इस लेयर की इफेक्ट आएगी. कौन से लेयर की, ग्रेडियंट लेयर की इफेक्ट आपको ओनली सर्कल के ऊपर दिखेगी.
मान लो कि आपको किसी एक सर्कल के अंदर ग्रेडियंट की इफेक्ट चाहिए, या तो फिर आपको ग्रेडियंट की इफेक्ट दोनों सर्कल में देखो किस तरह से बन रही है, कि मैं ये ग्रेडियंट को उसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर उसका सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पर से मान लो आप एक पानी का तालाब भरा है और उसमें पत्थर फेंकते हो, तो उनके जो वेव्स क्रिएट होते हैं, तो वो वेव्स यहाँ से जनरेट होते हैं और आपका जो सर्कल का फिगर है वो इधर है, तो ग्रेडियंट की इफेक्ट, उस वेव की इफेक्ट यहाँ से आपको इस सर्कल के अंदर कैसे दिख रही है। अब इसको मैं पोजीशन चेंज करके इसके ऊपर रख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं सेंटर में इस सर्कल के आया, लेकिन यहाँ पर इनका सेंटर पॉइंट है, तो बाजू वाले सर्कल पर उनके वेव किस तरह से दिखाई दे रहे हैं वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इनके वेव देखो यहाँ पर फिर यहाँ इस तरह से। अभी इस ग्रेडियंट लेयर को मैं हटा के इसके ऊपर रख रहा हूँ, तो इनके वेव जो बनेंगे वो इस तरह से आपको दिख रहे हैं। मेन जो जिस सर्कल पर रखा है उसके सेंटर में से शुरू हो रहा है, लेकिन पूरे तालाब के किनारे तक उनके वेव्स जाएंगे। पत्थर आपने पानी में फेंका तो जो वेव जनरेट होंगे वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये इसके लिए एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। अब मैं ग्रेडियंट टूल को, ग्रेडियंट लेयर को सिलेक्ट करके ये जो पॉइंट है ग्रीन, उसको मैं खींच के इधर रख रहा हूँ, तो ग्रेडियंट लेयर इधर है, तो उस दोनों सर्कल के अंदर उनकी इफेक्ट देखो कैसे आ रही है। अगर उनको छोटा करना है इसका रेडियस, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, तो ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स बढ़ जाएंगे। अब इसको उठा के मैं किसी एक सर्कल के ऊपर रख रहा हूँ, तो उसके अंदर ऐसा दिखेगा, लेकिन बाजू वाले सर्कल पर आप देख सकते हैं उनके वेव्स किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अब इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ। अब मान लो कि दोनों में से किसी एक सर्कल पर आपको ग्रेडियंट की इफेक्ट चाहिए और एक में नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको ये करना है कि लेयर पैनल में जहाँ पर ग्रेडियंट का लेयर है, दोनों में इफेक्ट इसलिए आ रहा है कि आपका ग्रेडियंट लेयर लेयर पैनल में सबसे ऊपर है, और सर्कल लेयर और उनकी आउटलाइन का जो लेयर है वो ग्रेडियंट लेयर के नीचे आ रहे हैं। तो इनका इफेक्ट इन दोनों सर्कल लेयर के ऊपर ग्रेडियंट का इफेक्ट आ रहा है। अब मुझे किसी एक सर्कल लेयर पे ग्रेडियंट की इफेक्ट चाहिए, तो मैं ये ग्रेडियंट लेयर को ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ, तो जो ग्रेडियंट लेयर है इनके ऊपर जो ये दो लेयर है उनको ग्रेडियंट की इफेक्ट नहीं मिलेगी। तो ये जो रेड कलर का सर्कल है वो ये है ऊपर वाला, ग्रेडियंट के ऊपर वाला, तो उसका ओरिजिनल कलर अभी आप देख सकते हो। अगर मैंने ये ग्रेडियंट लेयर को ड्रैग करके एकदम नीचे ले लिया, तो दोनों के ओरिजिनल कलर सर्कल को जैसे आपने पहले ड्रॉ किया था उस तरह से आपको दिखाई देगा। अब मैं इसको सबसे ऊपर वापस ड्रैग करके ले जा रहा हूँ, तो आपको ग्रेडियंट की इफेक्ट ओनली सर्कल एरिया के अंदर ही आपको दिखेगी, सर्कल आप कहीं पर भी ले जाओ उसके अंदर इसकी इफेक्ट आएगी। अभी मान लो कि एक के ऊपर एक रखा, अब मैं ग्रेडियंट लेयर को यहाँ पर ले जाता हूँ इस तरह से, तो देखो ग्रेडियंट हमारा इधर है, इसको खींच के मैं इधर रखूँगा या जहाँ पर भी कैनवास पर रखूँगा, तो वहाँ से ये सेंटर पॉइंट है उसका, यहाँ से वेव्स बनेंगे, तो इस तरह से गोल 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 इस सर्कल के अंदर इस तरह से आपको दिखाई देगा। सर्कल को घुमाओ किसी भी जगह पे ले जाओ, तो पूरे कैनवास पर उसका इफेक्ट है, लेकिन दिखेगा आपको सिर्फ सर्कल लेयर के अंदर, वो भी जिस लेयर के
नीचे होगा उसी लेयर पे ये दिखाई देगा आपको। सबसे ऊपर ले जाता हूँ तो दोनों के अंदर इसकी इफेक्ट आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिकल है ये, एकदम इजी है, आप ट्राई करके देखो। थैंक यू फ्रेंड्स।